नमस्कार किसान भाइयों, आज मैं आपको सोयाबीन में लगने वाली तना मक्खी के बारे में बताऊंगा। सोयाबीन में लगने वाली तना मक्खी सोयाबीन का एक प्रमुख कीट है। वैसे तो ये हर साल लगता है, लेकिन पिछले साल से इसका प्रकोप ज़्यादा देखा गया है और सोयाबीन की फसल में बहुत नुकसान होता हुआ पाया गया है। ये सोयाबीन की तना मक्खी सोयाबीन की फसल में प्रारंभिक अवस्था से लेकर के इसकी कटाई तक इसका आक्रमण होता है। सोयाबीन की फसल में लगने वाली तना मक्खी काले चमकीले कलर की होती हैं, जो घरेलू मक्खी से थोड़ी सी छोटी होती हैं, लेकिन उसके जैसी दिखती हैं। और ये 10 से 12 दिन में अपना जीवन काल सोयाबीन की फसल में पूर्ण कर लेती हैं और इसकी 4 से 5 पीढ़ियाँ सोयाबीन की फसल को वर्षित होती हुई पाई गई हैं। जब ये सोयाबीन की फसल में प्रारंभिक अवस्था में आक्रमण करती हैं, तो इससे सोयाबीन की फसल जो शिशु अवस्था में होती हैं वो मर जाती हैं और सूख जाती हैं, जो आराम से अपन देख सकते हैं। बाद की अवस्था में इसके आक्रमण से सोयाबीन की फसल तो सूखती नहीं है, लेकिन जो फलियों में जो दाने बनने होते हैं, जैसे 3 दाने बनने होते हैं, तो 2 ही दाने बनते हैं और दानों की साइज़ भी कम हो जाती है और उनका वजन भी कम हो जाता है। अब सोयाबीन की फसल में तना मक्खी की आक्रमण को कैसे पहचानें? अब प्रारंभिक अवस्था में पहचान करने के लिए आपको सूखा हुआ पौधा मिल जाएगा, उसे पहचान सकते हैं। बाद की अवस्था में जब अपन सोयाबीन के पौधे को देखेंगे, तो उसमें होल मिलेंगे। इन होल से इसके आक्रमण को पहचान सकते हैं। और एक पौधे में 2 से 3 होल भी मिल सकते हैं, ज़्यादा भी मिल सकते हैं। जब इस होल में अपन चीरते हैं, तो इसकी विभिन्न अवस्थाएँ लार्वा ऐसे प्यूपाई मिल सकती हैं। इसकी वयस्क मक्खी तो उड़ती हुई कई काले कलर की मिल जाती है। अब इसके जब सोयाबीन की फसल में इसका आक्रमण हो जाए, तो इसके नियंत्रण के बारे में क्या करना चाहिए? इसके नियंत्रण के लिए जैसे कि कोई रेजिस्टेंट वेराइटीज तो ज़्यादा है नहीं, लेकिन इसका कीटनाशकों का प्रयोग ही इसका नियंत्रण का एक मुख्य उपाय है। इसके नियंत्रण करने के लिए आप थाइमेथोक्सोम 30 FS से बीज उपचारित अवश्य करना चाहिए। और बीज उपचार के लिए FIR क्रम पर सबसे पहले फफूंदनाशी, उसके बाद कीटनाशी, उसके बाद राइजोबियो का प्रयोग करें। और थाइमेथोक्सोम से बीज उपचारित करने के लिए 10 ml 1 किलो बीज के हिसाब से उपचारित करना चाहिए। इसके बाद भी अगर तना मक्खी का आक्रमण हो जाए, तो इसके लिए पूर्व मिश्रित कीटनाशी अवेलेबल हैं, जो कि थाइमेथोक्सोम प्लस लेमडासाइलोत्रिन नाम से आता है। इसकी डोज 125 मिलीलीटर प्रति हेक्टर के हिसाब से है और इसके लिए 500 लीटर पानी का प्रयोग जरूर करना चाहिए। और इसके स्प्रे सुबह या शाम के टाइम में करना चाहिए, इस टाइम में, क्योंकि इन सोयाबीन के कीड़ों के मित्र कीट बहुत कम रहते हैं, इसलिए उनको नुकसान बहुत कम होता है। और उनके शत्रु कीट और सोयाबीन के में लगने वाले कीट ज़्यादा होते हैं, जिससे इनका नियंत्रण आसानी से किया जा सकता है। धन्यवाद।